हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं हूँ रोजी और आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी अपने एम्प्टीज के एक्सपीरियंस के बारे में. जो भी प्रोडक्ट मैंने फुल्ली एम्प्टी कर दिया है उनके एक्सपीरियंस के बारे में कि मैं उन्हें रीपर्चेज करूंगी या नहीं, और रीपर्चेज करूंगी तो क्यों और नहीं करूंगी तो क्यों. तो चलिए आज सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में. तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट मेरे हाथ में आया है वो है एक बेयर शैम्पू. ये बियर शैम्पू को मैंने फुल्ली यूज कर लिया है, कुछ भी नहीं बचा इसमें. इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज सुने थे कि ये बहुत सिल्की बनाता है बालों को और डैंड्रफ के लिए भी हेल्पफुल होता है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ. नॉर्मल एक शैम्पू की तरह ही था, कुछ एक्स्ट्रा कुछ बात नहीं थी इसमें, तो इसे तो मैं रिपर्चेज नहीं करूंगी. सेकेंड चीज जो है मेरे हाथ में वो है जोव्स का पपाया फेस वॉश. इसे भी मैंने कम्प्लीटली यूज कर लिया है और ये मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि ये फेस को बहुत स्मूथ करता है. जैसे ही हम फेस वॉश यूज करते हैं इसे और फेस को वॉश करने के बाद तुरंत ही इंस्टेंट आपको फील होता है कि आपकी स्किन थोड़ी स्मूथ हो गई है, पोर्स थोड़े टाइटन हो गए, तो ये मुझे अच्छा लगा. अभी करेंटली मैं लैक्मे का फ्रूट वॉश यूज कर रही हूँ, पीच वर्जन वाला, लेकिन मुझे वो उतना अच्छा नहीं लगा, उससे बेटर ये है. तो अगली बार जब मैं परचेज करूंगी तो यही वाला परचेज करने वाली हूँ. जो थर्ड प्रोडक्ट है आज का वो है हिमालय का हेयर क्रीम है, प्रोटीन हेयर क्रीम फॉर एक्स्ट्रा नरिशमेंट. तो ये वाला जो क्रीम है ये मुझे बहुत पसंद आया. ये मैं अपने DIY हेयर जो स्पा करती हूँ उसमें यूज करती हूँ और इसे कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में रहती हूँ तो डायरेक्ट इसे ही अप्लाई कर लेती हूँ. ये बहुत नरिश करता है बालों को और जो ड्राई हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं बाल, उनके लिए ये बहुत अच्छा है. ये बहुत अच्छा उस पर काम करता है और सॉफ्ट कर देता है. तो ये तो मैं डेफिनेटली रिपर्चेज करूंगी. शायद मैंने इसे खरीद भी लिया है, मुझे ध्यान नहीं है कि वो डैंड्रफ वाला है या प्रोटीन वाला है, पर इसका एक पैक तो है मेरे पास में. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है पतंजलि का एलोवेरा जेल. इसके बारे में क्या बताऊं मैं, ये मुझे बहुत पसंद है और आप मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखे भी होंगे कि इसके बारे में मैंने बताया है कि ये बहुत अच्छा है, स्किन को ब्राइटन करता है, तो और ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगी. और इसका मैंने बड़ा ट्यूब ऑलरेडी खरीद लिया है तो आप समझ ही जाइए कि ये मुझे कितना पसंद है. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है मेरे पास वो है लैक्मे का सन एक्सपर्ट सनस्क्रीन लोशन है. ये मैंने खरीदा था सनस्क्रीन लोशन की तरह यूज करने के लिए, लेकिन मैं इसे यूज नहीं कर पाई. इसे मैं हाथ वाथ में बॉडी लोशन की तरह लगा के किसी तरह खत्म किया है. ये मैं जब भी स्किन पे लगाती थी तो मिर्ची की तरह पता नहीं क्यों मुझे जलता था, मुझे सूट नहीं किया ये, तो ये तो कभी नहीं खरीदूंगी दोबारा, भूल के भी नहीं. और इसी से सिमिलर एक प्रोडक्ट मैं दिखा देती हूँ, इनफैक्ट दो प्रोडक्ट दिखा देती हूँ और दोनों ही लोटस के हैं. एक लोटस का नाइट क्रीम है, इसका तो कैप भी टूट गया है, गिर गया था मेरे हाथ से. बहुत हैवी बॉटल होता है इसका, बहुत ग्लास का होता है, बहुत मोटा, बहुत हैवी होता है, ट्रैवल नहीं कर सकते आप कोई, बहुत भारी है. इसका डे क्रीम भी है, ये भी उसी तरह है. इसमें एक चीज दिखाना चाहूंगी मैं, आप अंदर की क्रीम को देखिए, दही की जैसे जम गया है, जैसे रबड़ी होती है रबड़ी की तरह जम गया है. देखिए येलो येलो भी दिखेगा और इसमें से हाँ ऑयल भी निकलता है. ये देखिए, मतलब ये क्या है यार, ये कौन सी क्रीम है? ऑयल सेपरेट हो गया है और जो क्रीम है वो दही की तरह जम गया है, जबकि ये एक्सपायर नहीं हुआ. इसकी एक्सपायरी डेट मैं आपको दिखाती हूँ, एक्सपायरी डेट आप देख सकते हैं इस पे. कैमरे पे तो फोकस नहीं हो पा रहा है, ये एक्सपायर नहीं हुआ है, ये इसका एक्सपायरी अभी मई 2019 है. तो ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि ये अभी एक्सपायर हुआ भी नहीं है और अपने एक्सपायरी डेट से पहले ही ये इस तरीके का हो गया. पता नहीं क्या केमिकल मिलाया है यार. और इसका डे क्रीम सिमिलर है, आपको दिखाती हूँ मैं. ये भी सेम उसी तरह दही की तरह जम गया है, रबड़ी जैसा दिखता है. और इसे मैं कुछ दिनों पहले जब ये ठीक था तो मैं इसे लगाती थी, मेरी स्किन पूरा रेड हो जाता था और जैसे ही धूप में जाती थी, इसमें SPF है, SPF 25, तो मैं इसे धूप में लगा के जाती थी और धूप में जैसे ही जाती थी तो मेरे स्किन पे एकदम रेड रेड हो जाता था और बहुत ही जलन होती थी. तब से मैंने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया है और इसे मैं अब यूज भी नहीं करने वाली हूँ, इसलिए इसको एम्प्टीज में मैंने इंक्लूड किया हुआ है. तो ये भी ना और ये भी ना, डे और नाइट क्रीम मैं कभी नहीं लेने वाली लोटस का. चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है बोरोलिन का, छोटा मोटू सा बोरोलिन का डब्बा है. इसका बड़ा वाला पैकेट जो है वो, बोरोलिन तो सबके घर में होता है यार, बड़ा वाला पैकेट मैंने फेंक दिया है, छोटा वाला है तो दिखा रही हूँ. इसे भी मैंने कम्प्लीटली यूज़ कर लिया है. ये ठंडे के दिनों में
क्रैक्ड हील्स पे, और जब हाथ बहुत ही ड्राई हो जाते हैं तो लगा के रात में सो जाओ, बहुत जल्दी स्मूथ कर देता है, एक ही नाइट में स्मूथ कर देता है। तो ठंडे के दिन के लिए ये तो बहुत अच्छा होता है। गर्मियों में हम इसे यूज नहीं कर पाते हैं उतना, क्योंकि गर्मियों में ऐसे ही हमारे स्किन से बहुत ऑयल निकलता है, मॉइस्चर ऐसे ही बना रहता है, तो इतना हैवी जो मॉइस्चराइजर का जरूरत नहीं पड़ता है। और ये हैवी वाला है तो ये वाला मैं ठंडी के दिन के लिए यूज करूंगी। तो अभी इसे मैं रिपर्चेज नहीं कर रही हूँ, लेकिन ठंडियां आएंगी तो फिर मैं इसे ले लूंगी। इसका छोटा डब्बा वैसे ऑलरेडी है मेरे पास। और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है फियामा डीविल का शावर जेल, और इसमें स्किन कंडीशनर है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्किन कंडीशनर, और ये सच में बहुत अच्छा है यार। सच में इसमें स्किन कंडीशनर है, इसमें लिखा है तो है इसमें। मैं इसे यूज करती थी और मतलब लूफा पे डालने के बाद जैसे ही लगाती थी ना, एक तो खुशबू इतनी अच्छी, ऐसे ही मूड बन जाता था, और नहाने के बाद स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाती है। तो इसे तो डेफिनेटली मैं खरीदूंगी दूसरा, और इसका बड़ा वाला डब्बा खरीदूंगी। ये मैंने ट्रायल करने के लिए लिया था कि कैसा है, और ये मुझे पसंद आया है, इसलिए अब इसका बड़ा वाला डब्बा लूंगी मैं। नेक्स्ट है अयूर का क्लिंजिंग मिल्क, ऑलमोस्ट खत्म हो गया, थोड़ा बहुत इधर उधर लगा हुआ है। तो ये मुझे बहुत पसंद आया, इसे मेकअप रिमूव करने के लिए एज अ मेकअप रिमूवर ये यूज़ करती हूँ। इससे स्किन ड्राई भी नहीं होती और मेकअप भी बहुत इजीली निकल जाता है। इसका मैंने दूसरा डब्बा ऑलरेडी खरीद लिया है, तो आप समझ ही जाइए कि ये मुझे कितना पसंद है, तो आगे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है पतंजलि का एलोवेरा जेल, ये ग्रीन वाला एलोवेरा जेल है। तो ये वाला बड़ा डब्बा मैंने लिया था, ये हेयर के लिए ज़्यादातर यूज़ करती हूँ मैं, जब भी हेयर मास्क है या DIY स्प्रेज वगैरह है तो उसके लिए यूज़ करती हूँ। ये भी ख़त्म हो गया, इसका भी नया ट्यूब मैंने खरीद लिया है, तो फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये मुझे पसंद है या नहीं, आप ऑलरेडी जान ही चुके हैं। चलिए तो अब दो ही प्रोडक्ट्स रह गए हैं, तो पहले डिस्कस कर लेती हूँ लोटस के स्क्रब के बारे में। मेरे पास है लोटस का एप्रिकॉट स्क्रब। इसका जो स्क्रब है इसमें बहुत ही चंकी होता है, और जिसका स्किन पतला होता है, जैसे मेरी स्किन है वो पतली सी लेयर है, तो ये जो चंकी वाले जो स्क्रब हैं ये उतना अच्छा काम नहीं करता है, स्किन लगता है कि बहुत छिल गया है। ऐसे ही मेरी मम्मी का भी है, तो हेरिडिटी से मुझे भी मिल गया है, स्किन थोड़ी पतली है, तो ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, बहुत हार्श लगता है अपने चेहरे पे, तो इसलिए मैंने अब इसे रिप्लेस कर दिया है इससे, वादी हर्बल्स के स्ट्रॉबेरी स्क्रब से। इसका मैंने अलग से एक पूरा फुल रिव्यू वीडियो बना के रखा हुआ है, जिसको मैं यहाँ लिंक कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। और लास्ट जो प्रोडक्ट रह गया है वो है ये बायोटिक का कंडीशनर है। ये मैं इसे यूज़ नहीं कर सकती, थोड़ा सा जो बचा है बापरे मुझसे यूज़ नहीं होगा, ये किसी काम का नहीं है। ये है तो कंडीशनर, लिखा है फ्रेश नरिशिंग कंडीशनर, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ये फ्रेश करता है ना कंडीशन करता है। ऐसा लगता है कि कोई किसी चीज़ का पत्ती का जैसे साग हो वैसे लगा लिया है और बस धुल लिया है, गंदा सा एक हरा हरा सा स्मेल आएगा पत्ते टाइप वाला, और फिर वॉश कर लो, कोई इफेक्ट नहीं, कुछ अंतर नहीं, जैसे बाल हैं वैसे के वैसे रहेंगे। पता नहीं फिर ये कंडीशनर है किस लिए, ये बिल्कुल वर्स्ट है, ये मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगी, कभी नहीं लूंगी। फाइनली मेरे सारे एम्प्टीज खत्म हो गए। तो मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा, होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो थम्स अप जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए। मैं इस तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहूंगी। चलिए फिर मिलेंगे, बाय बाय।